तो जब भी हम YouTube पर एक नया चैनल बनाते हैं तो वीडियो अपलोड करने की हमें इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि YouTube चैनल की कुछ छोटी छोटी सेटिंग होती है जिन्हें हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें YouTube द्वारा जो इम्पोर्टेंट मेल आती है वे भी हमें नहीं आ पाती है और ना ही YouTube को ये पता चल पाता है कि हम किस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं और हमारी वीडियो किस कैटेगरी की है या फिर हमारी वीडियो की लैंग्वेज क्या है, जिसके कारण YouTube जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं करता है। तो आज की स्टूडियो में मैं आप सभी को जो सेटिंग बताने वाला हूँ, इन सारी सेटिंग को अपने चैनल पर आपको अप्लाई करना है और अगर आपने पहले से अपनी सेटिंग रखी है तो एक बार इनको चेक कर लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको YouTube को ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर में। YouTube को ओपन होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है, डेस्कटॉप साइड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में आपका जो है YouTube ओपन हो जाएगा। फिर आपको अपने चैनल के लोगो पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करना है, सेटिंग वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको इन दोनों को अनेबल कर देना है। इनसे क्या होगा, जो भी आपने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो सेव करी होगी वो लोगों को नहीं दिखेगी और जो भी आपने चैनल सब्सक्राइब किए होंगे वे भी लोगों को नहीं दिखेंगे। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर परमिशन के सामने यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और योर प्रेफरेंस में आपको इन तीनों को भी यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने चैनल के लोगो पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ पे क्लिक कर लेना है तो आपका यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको चैनल वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पे कीवर्ड्स वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल से पहले तो अपने चैनल के नाम को यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने जिस तरह की यहाँ पर वीडियो मैं बनाता हूँ अपने YouTube चैनल पर उस तरह के मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे कि YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह के मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। तो आपको भी यहाँ पर चैनल से रिलेटेड जो कीवर्ड है उनको यहाँ पे डाल लेना है। फिर एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको शुरुआत में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्या आपका चैनल है बच्चों के लिए आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो सेट कर लेना है और अगर आपने बच्चों के लिए बनाया है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर हाइड वाला ऑप्शन मिल जाता है। सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको अनटिक रहने देना, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहते हो उन लोगों तो इसको टिक कर देना है और उसके बाद सेव कर देना है तो आपके सब्सक्राइबर यहाँ पर दिखने लगेंगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर हाइड करना चाहते हो उसको अनटिक रहने देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लगी जो भी हर वीडियो में जो आप सेम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करोगे तो वो सारा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। फिर आप जो उसमें चेंज करना चाहते हो वो वहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको ऑटोमेटिक चैप्टर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको टिक कर लेना है। और यहाँ पे लाइसेंस में आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है जिस कैटेगरी की आप वीडियो बनाते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखता हूँ। फिर आपको यहाँ पे यहाँ वीडियो लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आप जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो को बनाते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप किस लैंग्वेज में रखते हो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में सारी वीडियो में कमेंट्स अलाउ कराना चाहते हो तो यहाँ पर अलाउ ऑल कमेंट्स पे रख सकते हो, और अगर आप कमेंट को डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर डिसेबल कमेंट वाला ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करके रखता हूँ तो आप भी यहाँ पर इसको रख सकते हो। तो यही कुछ सेटिंग थी जो मैं यहाँ पर करके रखता हूँ, आपको भी अपने चैनल पर ये सेटिंग करके रख लेनी है। इनसे क्या होगा कि यूट्यूब के द्वारा जो नए अपडेट आते हैं वो भी आपको ईमेल के थ्रू आ जाएंगे और यूट्यूब जो है यूट्यूब को भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो की लैंग्वेज क्या है, आपकी वीडियो की कैटेगरी क्या है, जिससे YouTube आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।